सब्सक्राइब करें हमारी चैनल पे और बेल का बटन दबाना ना भूलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल टेक वेब में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्च बार के बारे में, जो कभी कभी विंडोज 10 में काम करना बंद कर देता है। तो मैं आज आपको एक बेसिक एक स्टेप बताऊंगा जिसको आप अप्लाई करके जो सर्च बार है वो आपको फिर से काम करना शुरू कर देगा आपके विंडोज 10 पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, आप सीधे यहां पर आइए जहां पर मेरा माउस है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप टास्क मैनेजर में जाएंगे। तो जैसे ही आप टास्क मैनेजर में गए और यहाँ पर आपके बहुत सारे सर्विसेज और बहुत सारे प्रोसेसेस दिखेंगे। तो इन प्रोसेसेस में आपको क्या करना है, आपको सीधे आना है विंडोज एक्सप्लोरर पे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है विंडोज एक्सप्लोरर, इस पर आपको क्या करना है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप रिस्टार्ट पे ओके करेंगे। तो जैसे आपने रिस्टार्ट पे ओके कर दिया, आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं भी से भी आप रिस्टार्ट पे क्लिक करोगे। जब आप इस पे रिस्टार्ट करोगे तो आप मेन स्क्रीन पे आने के बाद आप सर्च बार पे फिर से आप टैप करोगे तो आपका सर्च बार अच्छे से काम करना शुरू कर देगा। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको ये काम कर रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।